हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 का अंग्रेजी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, फिलिंग द ब्लैंक्स यूज द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। दिए गए शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। द एलिफेंट लाइक यहाँ पे बनाना हो जाएगा, द मून शाइन्स इन द स्काई, एन एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई, अप्पू वेंट टू मार्केट, क्या है मार्केट, आई ब्रश माई टीथ, ये हो जाएगा। ट्रू फॉल्स बताना है तो राजू सालू एंड कालू लाइक फन, ट्रू हो जाएगा। अनु द एंट वाज वेरी सैड, ये फॉल्स हो जाएगा। द मून इज ऑलवेज राउंड लाइक एन ओ, ये ट्रू हो जाएगा। द स्टार डू नॉट शाइन एट नाइट, ये ट्रू है। अ कैट लाइक मिल्क, ये भी ट्रू हो जाएगा। सही विकल्प देख लेंगे। हु फेल ऑन द ग्राउंड, तो चीची हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, चीची। अगला देखते हैं इसका, हु फाउंड ही ची, तो राजू एंड मोना। लेसन 3 इज स्टोरी अबाउट एलिफेंट। ताजमहल इज मेड ऑफ मार्बल, तो वाइट। हु वाज फुल ऑफ जॉय, तो चीची हो जाएगा। राइट द राइमिंग वर्ड, राइमिंग बताना है। टॉल का कॉल, फन का रन, मून का सून, लुक का टुक और डे का ले हो जाएगा। रीअरेंज द लेटर करना है, अक्षरों का क्रम से लिखना है। इसमें जो आय हो जाएगा, इसमें सन हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, जे ओ वाई, जो आय इसमें सन, इसमें रीप, इसमें बताना है क्या होगा, और इसमें फ्लाई हो जाएगा। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, इनके आंसर बताना। हु वाज द अप्पू, तो अप्पू वाज एलिफेंट हो जाएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एंट, चीटी का क्या नाम था। इसी तरीके से 5 के 5 देख लेंगे। यूज अन टू मेक अपोजिट, अपोजिट लिखना है इनका, अन लगा के, जैसे अनहैप्पी हो जाएगा, अन इजी हो जाएगा। अगला देखते हैं इसका, आई एम, यहाँ पे नाम लिखना है अपना। आई लाइक, जो भी फ्रूट मतलब फल पसंद है यहाँ पे उसका नाम। आई लाइक वेजिटेबल, जो भी सब्जी पसंद है यहाँ पे लिख देंगे। आई लाइक टू एक्शन, जो भी एक्शन पसंद है यहाँ लिख देंगे। मेक 4 सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल एंड राइट। मोनू लाइक बनाना है, ऐसे यहाँ पे सभी को मिला के लिख देना है। अपनी पाठ्यपुस्तक की कविता की 4 पंक्तियाँ लिखनी है। राइट द डेफिनेशन ऑफ नाउन विथ एग्जाम्पल, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, बिग बिगर बिगेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, गुड बेटर बेस्ट हो जाएगा। इसमें ड्रॉ करना है चंद्रमा और छाते का चित्र बना के रंग भरना है इस वाले में। और इसमें सुंदर लिखावट में क्या करना है, लिखना है हिंदी में इनका अर्थ लिखना है। कम का आना, लुक का देखना, मून का चंद्रमा, आंट का चीटी, बेबी बर्ड का छोटा पक्षी, केज मतलब होता है गुफा। अंग्रेजी में स्पेलिंग लिखना है, डू का डी ओ, पुल वॉल का बताना है क्या होगा, रेट का क्या होगा, इस बताना है स्पेलिंग में। और स्मॉल SMALL, मार्केट MARKET, बिग का BIG। राइट 7 लाइन अबाउट एनी वन टॉपिक, 7 लाइन लिखनी है वन टॉपिक पर, तो किसी एक विषय पे 7 लाइन, जैसे द काऊ पे 7 लाइन लिखनी है और माई स्कूल पे भी 7 लाइन लिखनी है। ये लास्ट प्रश्न था हमारा।